एलिफेंट्स, पिकाचू और ये टेडी बियर, छोटा टेडी बियर। छोटा टेडी बियर यही तो है, देखो एक टेडी बियर जो है वो तुम उसको जो है डैमेज करती हो अच्छा से। हाँ देखो, और फोन बंद कर दो। मिल गया टेडी बियर। हाँ। ये टेडी बियर को क्या किया देखो तो, इसका आईज कहाँ गया और कहाँ चला गया बताओ? गुम हो गया आईज। और इसके पेट पर जो एक और छोटा टेडी बियर बना हुआ था वो कहाँ चला गया? गुम हो गया। चलो बंद करके रख दो, इसे बंद करके रख दो। हाय गाइस, मैं हूं स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक फोटोशूट ब्लॉग। और मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं ब्लॉगिंग में हाथ आजमाना चाहती हूं, और उस ब्लॉग के बाद मैंने लंबे समय तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। तो इसका कारण ये है कि मेरे घर में एक छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी थी जिसके कारण से मैं उसमें बिज़ी थी। और जब मेडिकल रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो आप को चाहिए कि आप काफ़ी ज़्यादा सीरियसली उसे लें, और उस चीज़ों से जब आप ओवरकम करें तभी आप किसी अदर चीज़ में ध्यान फोकस करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इश्यूज जब होते हैं तो फिर ध्यान रखना पड़ता है, एंड इट वॉज़ रिगार्डिंग माई हस्बैंड, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके अलावा मैं कुछ शॉर्ट्स आपके साथ शेयर कर ही रही थी। तो चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ब्लॉग जिसमें मैं करने वाली हूँ फ़ोटोशूट। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जैसे सावन शुरू हो गए हैं तो मुझे समय भी नहीं मिला इस दौरान कि मैं कभी मंदिर विजिट करूँ, या फिर जैसे लास्ट ईयर मैंने आपके साथ एक ग्रीन साड़ी पर फ़ोटोशूट शेयर किया था, तो इस साल भी मैं कुछ ऐसा ही चाह रही थी लेकिन अभी तक मुझे मौका नहीं मिला था। अब जाकर मिला है तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं आपके साथ वो ब्लॉग शेयर करूँ। तो चलिए सबसे पहले कुछ नाश्ता कर लेते हैं, आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी आपके पास कोई हेल्पर ना हो तो आप किस तरह से अपना फ़ोटोशूट खुद ही कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में मैंने कुछ डिटेल्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं, लेकिन मैं किस तरह से फ़ोटोशूट करती हूँ आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही आपको वो साड़ी भी शेयर करूंगी जो कि मैं पहनने वाली हूं, और आप देख सकते हो कि मेरे स्किन पर अभी कुछ भी नहीं है, कुछ मेकअप नहीं, कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं है, हालांकि चूड़ियां मैंने पहन ली हैं। तो इसके अलावा कुछ ऑर्नामेंट्स मैं पहनूंगी तो जो कि ट्रेडिशनल होंगे आई थिंक, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद मैं ही वीडियो शूट कर रही हूँ, तो काफ़ी कुछ मुझे पहले से प्लानिंग करना था बट मैंने किया नहीं है, तो एट द टाइम मैं मंगलसूत्र वगैरह ही पहनूंगी। तो चलिए सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। सो एवरीवन, आज मैंने नाश्ते में बनाए हैं छोले, और इसके साथ मैंने कुछ पूड़ियाँ तली हैं, लेकिन अभी पूड़ी के साथ मैं इसे नहीं लूँगी क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसे गार्निश करूँगी सेव, टोमेटो केचप, कच्चे प्याज के साथ में, और इसके साथ आएगा मेरा फेवरेट टी। तो बस इसी नाश्ते के बाद मैं करूँगी अपना फ़ोटोशूट। खाली पेट मुझसे काम बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी साड़ी मैं पहनने वाली हूँ आज। तो ये है साड़ी, आप देख सकते हो ग्रीन एंड पिंक में एंड ब्लू में, ये तीन कलर का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। ये साड़ी जो है उसका लुक है वो बनारसी जैसा है, एंड काफ़ी दिनों से मैंने ये साड़ी सोच कर रखी थी कि मैं सावन में इस पर फ़ोटोशूट करूँगी। ये साड़ी जो है ट्रेंड में है आजकल, द फैब्रिक इज़ आर्ट सिल्क, आप भी इसे ऑनलाइन स्टोर पे देख सकते हैं या फिर आपको ऑफलाइन मार्केट में भी मिलेगी। हालांकि मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया है, मैंने इसे ऑफलाइन ही लिया था। तो इसके साथ में ये है ब्लाउज जिसे मैंने अच्छे से स्टिच करवा लिया है। मैं ब्लाउज़ जो है वो फैशनेबल नहीं यूज़ करती हूँ, बहुत ही सिंपल रहता है, इसके जो गले भी रहते हैं वो काफ़ी छोटे रहते हैं, ये आप देख सकते हो बैक साइड वाला। तो इसी साड़ी पर मैं करने वाली हूँ फ़ोटोशूट।
और चूड़ियाँ जो है वो ग्रीन कलर की ही यूज़ करूँगी, क्योंकि सावन में ग्रीन जो है वो अच्छा लगेगा। लास्ट ईयर मैंने एक सिफॉन साड़ी पर फोटोशूट करा था जो कि मिर्ची फैशन से थी, और मैं आपको बता दूं कि सिफॉन साड़ीज़ जो हैं मेरे पास काफ़ी अच्छी अच्छी हैं, और ख़ास तौर से ग्रीन कलर में, और ज़्यादातर साड़ियाँ सिफॉन की जो भी हैं मेरे पास वो मिर्ची फैशन से हैं, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। और ऑर्नामेंट्स में फ़िलहाल मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोच पा रही हूँ, मैंने सोचा कि अपने जो झुमके हैं और उसके साथ में एक मंगलसूत्र, इससे ही अपने लुक को कंप्लीट करूंगी। और मैंने मेहंदी लगाने का भी सोचा था पर हो नहीं पाया। सो एवरीवन, ये है सेल्फी स्टिक कम ट्राइपॉड जिसे मैंने एज अ ट्राईपॉड यहाँ पर यूज़ किया है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके साथ मिला है एक ब्लूटूथ रिमोट, और ये ब्लूटूथ रिमोट है, आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर है एक छोटा सा बटन, आप देख सकते हो, उतना विजिबल नहीं है क्योंकि ब्लैक में ही एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, तो यहाँ पर है जहाँ पर मैंने अभी अपना थंब रखा हुआ है। तो क्या करना है कि आपने सेल्फी कैमरा जब आप ऑन करेंगे, अभी तो ये बैक कैमरा मैंने यूज़ कर रखा है उसमें, तो ये जो ब्लूटूथ है ना, ये फ़ोन के ब्लूटूथ से पेयर्ड है, इसके साथ कनेक्टेड है, तो जब भी आपके फ़ोन ने सही पोजीशन ले ली है, आपने सही पोज ले लिया है, तो आपको करना है यहाँ पर क्लिक, और इस तरह से जैसे ही आप क्लिक करोगे कैमरा जो है वो आपके फ़ोटो को क्लिक कर देगा, उसके बाद आपने उस फ़ोटो को कर लेना है सेव। तो मैं इसी से अपने सारे फ़ोटोशूट को कंप्लीट करती हूँ, जब आपके पास कोई असिस्टेंट ना हो, कोई आपको हेल्प करने वाला ना हो और आपको फ़ोटोशूट करना है, तो काफ़ी अच्छा फ़ोटोशूट आप इससे कर सकते हैं। ये बैक कैमरा पर है, और ये अभी ये आपको दिखा दूँ मैं, ये है फ्रंट कैमरा। तो आई होप कि आपको समझ में आए कि मैं क्या कह रही थी। तो जब भी आपको फ़ोटो क्लिक करना हो, आप इसे जो है आप क्लिक करेंगे तो वो फ़ोटो जो है वो क्लिक हो जाएगी। तो इसे मैंने परचेस किया था फ्रॉम फ्लिपकार्ट, और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इसे रिकमेंड भी किया था, तो मैंने उसे देखते हुए ये देखा कि जब मेरे घर कोई हेल्पर नहीं हो तो मैं किस तरह से इस सारे कामों को कर पाऊँगी। तो ब्लॉगिंग के लिए भी ये स्टिक काफ़ी अच्छा है, सेल्फी स्टिक की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉगिंग स्टिक की तरह यूज़ कर सकते हैं, एंड ट्राईपॉड की तरह यूज़ कर सकते हैं। फाइनली आप इससे फ़ोटोशूट अपना कंप्लीट भी कर सकते हैं, तो मल्टीपर्पज़ है, आप भी ज़रूर परचेस करें अगर आप फ़ोटोशूट वगैरह में इंटरेस्टेड है या फिर ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड है। तो चलिए सबसे पहले होते हैं रेडी और देखते हैं कि मेरा जो फाइनल गेटअप है वो कैसा रहता है। सो एवरीवन, मैंने यहाँ पर साड़ी पहन ली है और ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने इसे ओपन पल्लू स्टाइल में पहना है, आप देख सकते हो इसका पल्लू जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, और ब्लाउज़ के साथ में जो कलर कॉम्बिनेशन है उससे मैच कर रहा है। साथ में जो ज्वेलरीज हैं मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है, वही सारी ज्वेलरीज मैंने पहनी हुई है। हालांकि मैं मेहंदी भी लगाना चाहती थी लेकिन मैं नहीं लगा पाई, कोई नहीं। ओपन पल्लू की खास बात यह है कि आप इस पर अलग अलग तरह से फ़ोटो पोज दे सकते हैं, अगर आपको फ़ोटोग्राफी करवानी है, डिफरेंट पोजेस देने हैं आपको साड़ी में, तो ओपन पल्लू एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। और इसके साथ ही जो आपकी साड़ी पहनने में जो कमियां रह गई हैं वो भी ढक जाता है, साथ ही आप मॉडर्न लुक भी क्रिएट कर सकते हैं इसके साथ में। तो वर्सटाइल है ये तरीका साड़ी पहनने का, आई होप कि आपको अच्छा लगा। मैं आपके साथ जो फ़ोटोज़ क्लिक करूँगी उसे भी शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो एवरीवन, फाइनली फ़ोटोशूट हो गया है कंप्लीट, और ये हो गई है घर की हालत। तो पूरा मैस हो जाता है जब भी आप कोई वीडियो करो, क्योंकि आपको मेकअप यूज़ करना होता है, कॉस्ट्यूम है, एंड बाद बाकी भी चीज़ें हैं जो फैली हुई हैं। तो कोई नहीं, चलिए अरेंज करते हैं, आप सभी का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और मैं वीडियोस बनाती रहूं, अब इससे बेहतर क्या है, यह मैं इसमें ठीक करती रहूंगी खुशी से। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा आपको, और आपके साथ में शेयर कर रही हूं कुछ प्यारे प्यारे से फ़ोटोज़ जो कि मैंने इस फ़ोटोशूट में क्लिक किए हैं, आई होप कि आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी नॉलेजबल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।